पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है। कहर इतनी बड़ी कि लाखों की संख्या में लोग मर गए। लखनऊ में शमशान, अस्पताल, हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाइन देखने को मिली। कोरोना का कहर बड़ा ही गजब था। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिशन मोदी 2024 के राष्ट्रीय मंत्री सुशांत पांडे उर्फ बीरू भाई। दलगत राजनीति से ऊपर बात करने वाले सुशांत पांडे कोरोना की लहर से काफी दुखी भी हैं और मायूस भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और क्या चल रहा है, क्या है हालात, आपको पता चल जाएगा। नए लोक में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है आपके सभी संवाददाताओं का। नए लोक में जो आपने हमको बुलाया उसके लिए भी आपको धन्यवाद के पात्र हैं। आपसे आपने कोरोना की महामारी के विषय पर जो आपने विषय रखा उसके स्वागत योग है, क्योंकि इस महामारी में बहुत से ऐसे लोग मर गए जो ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी की खातिर मर गए। बस मेरा पहला सवाल यहीं से शुरू होगा, आखिर कहां चूक हो गई? क्या केंद्र सरकार तैयार नहीं थी या राज्य सरकार तैयार नहीं? देखिए, मैं आपको इस विषय पर अवगत करा दूं, जब कोरोना जब उभर कर आया तो सरकारें किसान आंदोलन में व्यस्त हो गई, हरियाणा के किसान आंदोलन में व्यस्त हो गई, कहीं राजनीतिक पार्टियां केंद्र की केंद्र हो उत्तर प्रदेश, अन्य जो स्टेट थे वो लोग अपने राजनीतिक उसको रसूख को बचाने में लग गए। महामारी का इतना बड़ा दौर चला, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह आप देखिए इस समय कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भी हैं, यूनिसेफ के चेयरमैन भी बनाए गए, तमाम सारी आपके पास मशीनरियां थी। कोविड का महामारी का प्रकोप आपने चीन में जैसे वहां से उभरा, आपके पास संकेत उसी समय हो गए। उसमें फिर आप लोग कहते हैं विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए, कहीं आपने कहा कि कहते हैं ये इन मतलब कहते हैं राजनीतिक तौर पर लोग कहते हैं इस पर कर रहे हैं कांग्रेस कहीं कर रही है। हम ये दलगत राजनीति से हटकर इसलिए बात करना चाहते हैं, इस महामारी ने ऐसे ऐसे लोगों को काल कमलित कर दिया जिस पर आप भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर में अपनी ही सरकार में रह करके कहते हैं मर गए, बड़ी दयनीय विषय है। कहीं ना कहीं ये खामियां ये संकेत करती है केंद्र की कहीं लापरवाही रही, कहीं उत्तर प्रदेश में भी लापरवाही। हमने ऐसे ऐसे परिवार के लोगों को देखा रात में डेढ़ डेढ़ दो दो बजे तक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए दरखास्त करते रह गए, पेशेंटों को एडमिट कराने के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल दौड़ते रह गए, कहीं किसी की एम्बुलेंस में डेथ हो गई। शमशानों का इतना बड़ा कहर हमने शमशान जीवन में अपने पहली बार ऐसा देखा, लाशें नदियों में बह रही थी, शमशान पूरा विशाल रूप एक विकराल रूप धारण कर लिया। कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि मानवता कहीं शमशान कर रही थी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वास्थ्य के प्रति कहीं लापरवाह थी, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। मोदी जी जब आए थे उत्तर प्रदेश यानी बनारस तो उन्होंने कहा था मैं गंगा का बेटा हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है, इस बार गंगा में ही उतराती हुई समय मिली है। उन सबों उन्हें चीख चीख के कहा कि गंगा का बेटा क्या कह रहा है। देखिए, क्योंकि आप उनके संगठन से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये मैंने फिर आपसे कहा दलगत राजनीति से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, मानवता की बात करता हूँ। मानवता के विषय पर जब कभी कोई बात आती है ना कोई वो राजनेता है ना कोई विपक्ष का नेता है, और कोरोना एक ऐसी महामारी बीमारी जो किसी को कहकर नहीं आती है, हमें भी हो सकती है किसी अन्य व्यक्ति को भी हो सकती है, इन बीमारियों का उपचार होना चाहिए। जहां तक बनारस की बात आपने कहा माँ गंगा का मैं बेटा हूँ, राजनीतिक तौर पर भाषणों में अक्सर संवेदनाओं का जो एक विषय होता है वो कहते रहते हैं, लेकिन हमने एक संस्करण में नदी का भी पढ़ा कि काई जमी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत कर रहा है जो चीजें आपने भाषणों में कहा वो नदियों तक आ गया और नदियों में लाशों का बहना कहीं कहीं ये संकेत करता है कि मानवीय विचारधाराओं के आधार पर मानवता शर्मसार हो रही है, इसको बचाने की जरूरत है, जीवन रक्षक मूल्यों की जरूरत है, हमको एक ऐसी औषधि की जरूरत है जिससे कोरोना की लड़ाई को हम लड़ सके। अभी तो हम कोरोना के विषय पर बात करेंगे क्योंकि राजनीतिक तौर पर इसको लेना कहीं दोषपूर्ण होगा। नहीं, वैक्सीन तो लग रही है, वैक्सीनों की डोज जल्दी जल्दी लग रही है, पहले 45 साल का एक वो लिमिटेशन था लेकिन अब ये आ रहा है कि 18 से 44 के वो भी लगेगा, तो क्या आपको लगता है? मैं आपके चैनल के नया लुक के माध्यम से पहला विषय आप पहले ऐसे मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार होंगे जिन्होंने इस विषय को रखा, अभी तक जिनके चैनलों में मैं गया उन्होंने इस विषय को बड़ा गंभीरता से नहीं लिया,
लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से, आपने बहुत अच्छा विषय रखा, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सबसे पहले मूल्यवान जरूरी बात यह थी कि आपने वैक्सीन की बात की, तो पहले बुजुर्गों को लग रही थी, ये 45 साल से 65 साल के बीच के लोगों को लग रही थी, बीच में सीएससी पर पीएससी पर कार्ड बन जा रहे थे, आज की फिर उसके बाद ये सब सेकेंड डोज की बारी आई तो उसमें भी लगने में इन्होंने कहा 2 से 3 महीने में ये वैक्सीन एक टाइम बाउंड पीरियड पर लगेगी। अभी इन्होंने एक नया संस्करण 84 दिन बाद अभी इन्होंने एक नया संस्करण जारी ये कर दिया कि ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए। मेरी अभी बीच में सीएमओ से मेरी बात हो रही थी, हमने कहा महोदय आप ये बताइए 18 साल से 45 साल के बीच में अगर वैक्सीनेशन लगनी है, इसका स्लॉट फुल हो गया, तो कहने लगे हमसे कि जुलाई में स्लॉट खुलेगा तब आप लगाइए, 11,000 लोगों को वैक्सीनेशन ये कंप्लीट। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी पूछना चाहते हैं, केंद्र सरकार से भी पूछना चाहते हैं, क्या औषधियों की कमी है, आप इन औषधियों के ग्रामीण क्षेत्रों की सीएससी पर पीएससी पर या अन्य स्वास्थ्य सेवाएं पर जो आपकी चिकित्सालय है मुख्य चिकित्सालय है, क्यों ऐसा आप पोर्टल पर ला रहे हैं, क्यों पोर्टल, आप इंटरनेट की ऐसी सुविधा हर आदमी उस पर पोर्टल पर जाना चाहता है, आप फुल हो जा रहा है, लोग कह रहे हैं साहब पोर्टल फुल हो जा रहा है, कहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस क्यों ला रहे हैं, एक ऐसा स्लॉट कर दीजिए कोई आदमी अपना आधार कार्ड दिखाए मैं यहाँ का निवासी हूँ, संबंधित सीएससी पर जा करके या वार्ड में एक आप वार्ड का एक सेंटर बना दीजिए, कोई जैसे चुनाव टाइम पर भी लोग बनाते हैं ऐसा स्लॉट एक बना दीजिए और वो वैक्सीन सरलता से इंसान को। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, जब भारत के सभी निवासियों को वैक्सीन लगनी है और आधार कार्ड के वेरीफाई, तो एक आदमी का दो आधार तो हो ही नहीं सकता, यानी एक बार वैक्सीन लग गई तो लग गई, तो मुझे नहीं लगता है कि पोर्टल की कोई जरूरत है। लेकिन फिर भी आप केंद्र के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए आप कुछ और लोगों को लाइसेंस दे दीजिए, यानी इससे ये साफ होता है कि वैक्सीन के प्रोडक्शन में कमी है। देखिए शुक्ला साहब, आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें, जब कुछ एक कहावत फिर मैं कहूंगा, हिंदुस्तान में बहुत बड़े नेता है और मार्गदर्शक भी कुछ लोग इनको अपना मानते हैं, आगामी चुनाव में लोग इनको भविष्यवाणी भी कहीं ना कहीं किसी बड़े शब्द पे, बड़े औहदे के शब्द पर संबोधन कर रहे थे, नागपुर से आते हैं, आरएसएस में इनकी अच्छी पकड़ है, ऐसे संबोधनों का प्रयोग जब सरकार कहीं महामारी की बात हो रही हो उचित नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक शब्द मैं कहूंगा, कुछ लोगों ने अपनों को लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी तो कश्ती डूबी जहां पानी कम था, आज की दशा दिशा ऐसी हो गई है, कहां ढूंढे कहां क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, परिवार इधर का उधर कर रहा, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देने के बाद जनता को भ्रमित करना कहीं ना कहीं निंदनीय है। और हम फिर आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, वैक्सीनेशन जब आपके हिंदुस्तान में जब वैक्सीनेशन की पूरी आपूर्ति हो जाए तब कहीं निर्यात कीजिए, आपके देश में ही नहीं कि कहते हैं उपलब्धता हो पा रही है, पब्लिक परेशान है, तो कहां पब्लिक जाएगी, आप शहर के मुखिया हो, प्रदेश में आप योगी जी मुखिया हैं, केंद्र में मोदी जी मुखिया हैं, जनता जो हो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, आप ही पास अपनी समस्या लेकर आएगा और समस्या का निदान करेगा, आपसे ही दुनिया अपेक्षा कर रही है। अरे अभी कोरोना का कहर थमा ही नहीं, एक नई बीमारी आ गई, ब्लैक फंगस आ रही है, इससे भी लोग मर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वैक्सीनेशन से ही ब्लैक फंगस पे ही काबू मिलेगा? हमने फिर कहा आज बहुत बड़ा शोध के विषय की जरूरत है। अब जैसे एक टिप्पणी बाबा रामदेव की मैं करता हूँ, उन्होंने कहा योगा से हर बीमारी ठीक हो जाएगी, जी बिल्कुल। कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दिल्ली की जो संस्थाएं, जो डॉक्टरों की संस्थाएं थी, इनके इस वक्तव्य बयान पर उन्होंने कुछ इन्होंने शब्द की शब्दावली प्रयोग किया, जैसे इन्होंने स्टूपिड शब्द कहा, एलोपैथिक को बोला, जबकि कहीं ना कहीं एलोपैथिक भी कारगर है और तमाम सारे एलोपैथिक के जो भी डॉक्टर्स होते हैं चाहे फिजिशियंस होता है जो एलोपैथ के माध्यम से, क्योंकि हैवी डोज से ही ठीक होते हैं, कहीं ना कहीं ठीक है, योगा के माध्यम से आदमी स्वस्थ रहता, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ। लेकिन यदि योगा से ठीक हो रहे हैं तो पतंजलि में इतनी भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज कैसे आए, क्या बाबा अपने पतंजलि योगपीठ में लोगों को योग का अभ्यास नहीं करवाते? मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्ला साहब फिर खंडन करता हूँ, योग के जरिए ना तो कैंसर की बीमारी ठीक हो सकती है, ना तो केवल एक हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है और हमारे शरीर की कार्य प्रणाली जो है वो दिनचर्या ठीक रह सकती है, बट जिन कैंसर का इलाज हो,
आर्थोपेडिक्स का इलाज मेरे ख्याल से आयुर्वेद नहीं कर सकता। आर्थोपेडिक्स का इलाज आर्थोपेडिक्स का डॉक्टर करेगा, फिजिशियन होगा फिजिशियन का काम करेगा। हर लाइफ साइकिल की अलग अलग क्राइटेरिया है और उसका इंप्लीमेंट करने का काम डॉक्टर करता है, इसीलिए डॉक्टर नियुक्त करते हैं, चाहे आर्थोपेडिक्स हो, इम्यूनोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, चाहे पीरियडिक का हो, हर का हर शरीर के अंग का काम अलग। और जहां तक बात आपने कही कि कहते हैं वैक्सीनेशन वाली, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर दूं, एकदम ही निंदनीय और गलत होगा। अगर 18 साल से 45 साल के बीच में लोगों के लिए अगर आपने ये कर दिया कि ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के कहते हैं संस्करण कीजिए, तो मेरे ख्याल से वो गलत होगा। और आपने जो एक विषय रखा कि आधार कार्ड के हिसाब से प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या देख करके उसको लगा दिए, एक वार्ड सेंटर बना दे या पार्षद को नियुक्त कर दे, संबंधित जोनल अधिकारियों को नियुक्त कर दे, घर घर जाके वैक्सीनेशन कर दे, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कि घर घर वैक्सीनेशन कर दे तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा, आप क्या आपको लगता है कि यदि ये पश्चिम बंगाल चुनाव ना होता तो कोरोना का इतना बड़ा विस्फोट ना होता? देखिए, कोरोना बीमारी अलग, हम फिर मैं आपसे बता दूं, राजनीतिक दृष्टिकोण को कोरोना की बीमारी से नहीं लिया जा सकता। जब कोरोना डेवलप हुआ रहा था तो चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब राजनीतिक मंच स्थापित करने के लिए बंगाल पर फोकस किए। सबसे बड़ा कारण ये हुआ, महामारी की दौर में इन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने का काम किया, जिससे हिंदुस्तान की दशा दिशा बिगड़ गई और राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं खामियाजा हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के सांसद हैं कौशल किशोर जी, और उनके अलावा बांदा के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी समेत कई विधायकों ने पत्र लिखा और मुख्यमंत्री से मांग की कि चल रहे पंचायत चुनाव को टाल दिया, रोक दिया। लेकिन पंचायत चुनाव न तो टला न तो रुका, अपने समय पे हुआ और गांवों से लाशें निकल रही है। बिल्कुल, आपकी बात सही। जितने आपने कौशल किशोर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जब ये श्रम मंत्री थे, श्रम सेवा योजना मिनिस्टर थे, मैं तब से जानता हूँ, जमीनी नेता, जिन भी नेताओं ने इनको पत्र लिखा है वो अपने राजनीतिक रसूख या दम पर नहीं, वो जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हैं, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इनका एक अपना प्रभाव है, जनता की समस्याओं की लड़ाई लड़ने के लिए। मैंने कभी कभी देखा कौशल किशोर की, आप बात करते हैं लखनऊ से, यही मोहनलालगंज से सांसद है, कुछ विवाद हो गया था ऐसे ग्रामीणों से, कुछ विवाद हो गया था प्रसाद, उन्हें सत्ताधारी दल में रहकर भी सत्ता का की गतिविधियों के खिलाफ विरोध करने का काम। तो ये महामारी का ये दौर है, इंसानियत का मानवता की बात थी, अगर पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और केंद्र सरकार को पत्र लिखा, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की खामियां थी, इसके खिलाफ अगर कहीं पत्र लिखा तो ये इनको विचार करना चाहिए और इनको सोचना चाहिए कि ऐसा पत्र क्यों आ रहा है। पत्र महानपुर, वो भी लोकसभा का सदस्य लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विषय है, इस पर विचार करना चाहिए। सुशांत जी, आखिरी सवाल ये बताइए, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जिम्मेदारी आई और लॉकडाउन पालन कराने की जिम्मेदारी खाकी पे चली गई, क्या आप यानी आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नकारा विभाग है? नहीं, हम देखिए, स्वास्थ्य विभाग को हम नकारा विभाग नहीं कह सकते, स्वास्थ्य मंत्री ही गायब हो गया, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह गायब हो गया, मीडिया में खबरें आने लगी, आप लोग के चैनल के माध्यम से खबरें आने लगी, कई जगह पोस्टर लग गए कि स्वास्थ्य मंत्री गायब हो गया। जब ऐसी स्थिति, जब स्वास्थ्य महकमे का स्वास्थ्य मंत्री गायब हो जाए, उसके नीचे की क्या कार्यप्रणाली होगी स्वयं आप समझ सकते हैं। आनंद फानंद में अगर मीडिया में, तो मीडिया का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आप जैसे चैनलों के माध्यम से, धन्यवाद कि आनंद फानंद में सरकार सचिव थी, और हम आपके चैनल के माध्यम से फिर कहेंगे, अभी आप स्वास्थ्य नीतियों को फिर से लागू किए, हमको नहीं समझ में आता उत्तर प्रदेश में जब कोरोना का कहर जब व्यापा तो मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य कमेटी क्या कर रही थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य क्या कर रहे थे, डीजी हेल्थ क्या कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने कोई ओपिनियन नहीं दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि इस पर किस तरीके से लड़ाई संकेत? फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, माननीय योगी जी जगह जगह जाकर के जो पहले काम करना चाहिए था, जो इस समय काम कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, और कम से कम अब जो उन्होंने बेहतर काम किया है उससे कहीं ना कहीं कोरोना की लड़ाई लड़ी जा सकती है। जहां तक ब्लैक फंगस की बात है, इस पर शोध की जरूरत है, और जो डॉक्टर कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद के पात्र हैं, कम से कम कोरोना की लड़ाई में, और जिन्होंने अपनी डॉक्टरों ने और जिन लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दिया है, चाहे वो मतलब अपने को कि गजे खोया परिवार से, उनके भी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन हम ईश्वर से कामना ये करेंगे कि जल्द से जल्द इस कोरोना की लड़ाई को हम लोग अपने कहते हैं, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से, जिनसे भी जो भी सहायता मिल पाए उनसे सहायता करने का प्रयास करें। ये थे सुशांत पांडे, इनका कहना है जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेजी से अब निकले हैं, यदि शुरुआती दिनों में निकल गए होते
तो शायद कोरोना का इतना कहर ना होता। देर आए दुरुस्त आए, उत्तर प्रदेश में खुशखबरी यह है कि दिन ब दिन कोरोना का कहर कम हो रहा है, लोग ठीक होकर ज्यादा आ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। आप नए लोग स्टूडेंट हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।